हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेविड एलन की बुक गेटिंग थिंग्स डन की समरी। टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी एक बहुत ही रेयर स्किल है। काम को सही समय पर पूरा करना बहुत से लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। डेविड एलन ने अपनी बुक गेटिंग थिंग्स डन में कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिसे फॉलो करके कोई भी टाइम मैनेजमेंट की यह रेयर स्किल सीख सकता है और अपने काम को सही समय पर पूरा कर सकता है, साथ ही साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को भी कई गुना बढ़ा सकता है। लोग कई बार कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन इतना बिजी होने के बाद भी उनके जरूरी काम अक्सर बाकी रह जाते हैं। सुबह से रात तक काम करने के बाद भी रात में यही देखने को मिलता है, बहुत सारे काम बचे रह जाते हैं जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता चला जाता है। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम अपने सभी जरूरी काम सही समय पर पूरी कर लें, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी यह चीज पूरी नहीं हो पाती है। ऐसा तो बहुत से लोगों के साथ होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस किताब में आपको ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे आप अपने इस परेशानी को ठीक कर सकते हैं। डेविड एलन ने अपनी किताब में 5 ऐसे तरीके बताए हैं जिसे फॉलो करके कोई भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। ऑथर 30 सालों से लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके फॉर्मूला से बहुत से लोगों को बहुत फायदा हुआ है। आपको क्या लगता है, अगर आप सुबह से लेकर रात तक काम करेंगे तो क्या आपको आराम करने का मौका मिलेगा? आप बोलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो काम करने के बाद हमें रिलैक्स करने का भी मौका दे। आज हमारे काम करने का तरीका बदल गया है। हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी होती और हमें उन सभी को पूरा करना होता है, लेकिन कौन से काम को पहले करना है और कौन सा बाद में, यह समझ पाना ही कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी वजह से दिन खत्म होते होते वह काम ही पूरा नहीं होता। इसलिए अगर अपने काम में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद में बदलाव लाना होगा। आपको यह जानना होगा कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं और ये काम करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। जब आप पहले से इस बात का पता लगा लेंगे कि आपको क्या करना है, तब आपका मन बेकार की चीजों में नहीं भटकेगा। अपने काम को सही समय पर पूरा करने के लिए आपको अपने फोकस को इंक्रीज करना होगा। ऑथर का तो यह भी कहना है कि आपको अपना फोकस लेजर की तरह शार्प कर लेना चाहिए और यह काम तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो। अब तक आपने जितना भी पढ़ा, क्या उसे पढ़ते समय आपका मन भटक रहा है? अगर हाँ, तो जरूर आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा काम बचा हुआ है जो आपके लिए जरूरी है और अब तक आपने उसे पूरा नहीं किया है। मान लीजिए आपके 10 काम बाकी है तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। इस स्ट्रेस की वजह से आपका काम पूरा नहीं हो पाता है और आप बार बार चिंता करते रहते हैं। अगर आप मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम यह करना है कि आप एक पेपर लीजिए और उसमें अपने दिमाग में चल रहे विचारों को लिख दीजिए। अपने दिमाग में चल रहे कामों को पेपर पर लिखने के बाद आपको उसमें डेडलाइन भी सेट करनी चाहिए। आपको ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब तक आप अपना एक काम पूरा नहीं कर लेते, तब तक आपके दिमाग में बार बार उस आधे काम के ही विचार घूमते रहते हैं। डेडलाइन के साथ कामों को लिखने पर बनने वाली लिस्ट को टू डू लिस्ट कहते हैं। अपने कामों की एक क्लियर लिस्ट पर आने के बाद आप आसानी से अपने काम पूरे कर पाएंगे। कामयाब लोगों के द्वारा अपने काम को सही समय पर पूरा करने का यही सीक्रेट तरीका है। लेकिन कई बार टू डू लिस्ट बनाने के बाद भी लोग अपने दिमाग में चल रहे अच्छे आइडिया को इस टू डू लिस्ट में नहीं लिखते, जिसकी वजह से उनका यह लिस्ट अधूरा रह जाता है। इसीलिए ऑथर कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिसका यूज करके कोई भी अपने आप को बहुत इफेक्टिव बना सकता है और अपने काम को भी बेहतरीन तरीके से पूरा कर सकता है। इन तरीकों के बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। द 5 फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। सिर्फ एक आइडिया सोच लेने से या फिर एक गोल बना लेने से आपका काम पूरा नहीं होता है। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आपको प्लानिंग के साथ साथ सही एक्शन लेना होगा, लेकिन अपने गोल को पूरे करने के लिए आप तब तक कदम नहीं बढ़ा सकते
जब तक आप सही तरह से प्लानिंग न करें, और प्लानिंग भी कई अलग अलग तरह की होती है। हॉरिजॉन्टल प्लानिंग, जब आप किसी काम को इस तरह से प्लान करते हैं तब आपके काम को पूरा करने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस तरह के प्लानिंग में आपको बार बार अपना काम याद आते रहता है, जिससे आपके दिमाग में बार बार काम को पूरा करने की बात चलती है और इस तरह से काम पूरा भी हो जाता है। इस तरह की प्लानिंग से अपने टास्क को आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। वर्टिकल प्लानिंग के अंतर्गत आपको चीजों को थोड़ा डिटेल में लिखना होता है। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आपको हर पॉसिबल स्टेप्स उस पेपर पर लिखना होगा। आप इसके लिए सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लिखना ज्यादा अच्छा है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हर इंसान एक दूसरे से अलग सोचता है, इसलिए प्लानिंग का कोई भी एक तरीका फॉलो करना उतना इफेक्टिव नहीं माना जाता है। लोग अपने काम तब सही ढंग से पूरा कर पाते हैं जब वह नेचुरल तरीके से प्लानिंग करते हैं। नेचुरल तरीके से की गई प्लानिंग में आप सभी आइडियाज और थॉट्स को सही तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं। अपने गोल को पूरा करने के लिए जब आप पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको अपने प्लान्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। मान लीजिए डिनर करना आपका गोल है, सबसे पहले आपको किसी रेस्टोरेंट में अपनी सीट बुक करानी होगी। उसके बाद आपको सभी को बताना होगा कि आप डिनर पर जाने की सोच रहे हैं, और आपको सभी को समय बताना होगा। समय बताने के बाद आपको ठीक समय पर अपने घर से रेस्टोरेंट के लिए निकलना होगा। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद जब आप अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, तब जाकर आपका काम पूरा होगा, मतलब आपका गोल कंप्लीट होगा। इस तरह से आपको अपने हर छोटे बड़े गोल्स को सही तरह से डिजाइन करके उसे पूरा करना पड़ता है। गेटिंग स्टार्टेड, सेटिंग अप द टाइम स्पेस एंड टूल्स। कभी कभी लाइफ में कुछ सिंपल चीजें अपना लेने से आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हो गए हैं, उन्होंने सक्सेसफुल बनने के लिए कोई ना कोई जबरदस्त तरीका अपनाया है। अगर आप अपने दिमाग से अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को क्लियर रखना होगा, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें भर कर रखने से आपका मन डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। अपने मन को अपने कंट्रोल में कैसा लाना है, इसके बारे में भी ऑथर बताते हैं। उनका कहना है कि अगर आप अपना मन अपने काबू में करना चाहते हैं, तो आपको समय, जगह और कुछ टूल्स की जरूरत होगी। अपने मन को अपने कंट्रोल में करने के लिए जो तरीका लेखक बताते हैं, उसके लिए आपको कम से कम 2 दिनों की जरूरत होगी। इसलिए इस तरीके को अपने वीकेंड पर शुरू कीजिए। यहाँ जगह का मतलब आपके पास आपका एक पर्सनल डेस्क होना चाहिए, जहाँ पर आप अपने काम को लिखकर ऑर्गेनाइज कर सकें। यहाँ टूल्स का मतलब वो चीजें हैं, जिसका यूज आप अपने आइडिया को लिखने के लिए यूज करेंगे, जैसे पेपर, पेन, मार्कर। आप अपनी जरूरत के मुताबिक अपने डेस्क को सजा सकते हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल सही तरह से करके सिस्टम बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक कैलेंडर लेना है। कैलेंडर इसलिए क्योंकि कैलेंडर का काम होता है आपको जरूरी कामों की याद दिलाना, जैसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, टाइम पर असाइनमेंट जमा करना या और कुछ। कलेक्शन, कराइंग देयर स्टफ। अपने डेस्क पर सभी जरूरी चीजें जमा कर लेने के बाद आपको अब अपना काम ऑर्गेनाइज करना होगा। इस काम को करने के लिए कम से कम 2 से 6 घंटे का समय लग जाता है। सभी चीजों को एक जगह करने के लिए आपको अपने घर में फेंके हुए सभी चीजों को एक साइड पर रखिए। सिर्फ फिजिकल ही नहीं, आपको अपने दिमाग में भी यह चीज करना होगा, और अपने दिमाग में चल रहे ढेर सारी चीजों को एक जगह एक बास्केट में रखना होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब लोग अपने आसपास चीजें बिखेर कर रखते हैं, तब उनका दिमाग भी कूड़े के ढेर की तरह बिखरा रहता है। लेकिन चीजों को इकट्ठा करने के बाद आपको उसे सही तरह से ऑर्गेनाइज करना होगा। प्रोसेसिंग, गेटिंग इनटू एम्प्टी। पिछले चैप्टर में आपने जाना कि अपने अधूरे कामों को एक जगह करने के बाद आपको उसको या तो खुद पूरा करना है या फिर किसी और से करवाना होगा। मान लीजिए सारे कामों को इकट्ठा करने के बाद आपके सामने बहुत सारे काम आ गए हैं, तो ऐसे में आपको अब यह देखना होगा कि कौन सा काम आप खुद कर सकते हैं और कौन सा नहीं। कुछ काम बहुत ही मुश्किल होते हैं जो शायद आप ना कर सके। ऐसे में आपको अपने काम को उस इंसान से करवाना चाहिए जो उस काम में बेहतर हो।
आपने बहुत सारे कामों में से कुछ काम को डेलीगेट कर देने से आपके पास सिर्फ वही काम बचेंगे जो आप कर सकते हैं। ऐसे में अब आपके सामने जो काम बैठे हैं, उसके लिए आप प्लानिंग कीजिए और फिर प्लानिंग करने के बाद उसे ऑर्गेनाइज कीजिए, क्योंकि काम को प्लान करके ऑर्गेनाइज करने के क्या फायदे हैं वह तो हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। साथ ही यह भी बताया है कि यह काम आपको कैसे करना है। डूइंग मेकिंग द बेस्ट एक्शन चॉइस। काम को ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको कुछ इस तरह से चीजें तैयार करनी होंगी कि आप कुछ स्टेप्स लेकर ही इसे पूरा कर सकते हैं। कैलेंडर में अपने काम लेकर पेपर में सही से प्लानिंग करके आप अपने सभी कामों को एक लाइन से सिस्टम के अनुसार या यूं कहें कि चैन बना लेते हैं। जब आप सिस्टम बना लेंगे तो आपको सभी कामों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी और आप सीधे उस काम पर फोकस कर पाएंगे जो आपके लिए अभी करना जरूरी है। हर काम को लिखने के साथ उसकी डेडलाइन सेट करने से आपका काम छोटे छोटे गोल में बदल जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी बड़ी चीज को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को करना आसान होता है। जब आपके बड़े से बड़े गोल छोटे हो जाते हैं तब आप चीजों को आसानी से कर लेते हैं। शायद ऐसा हो कि हर दिन का काम लिखने की वजह से आपके पास पूरे कामों की फोल्डर तैयार हो जाए, लेकिन आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर दिन के काम हैं और इन कामों को पूरा करने के लिए आपको बस लिस्ट पर अपनी नजर गड़ा कर रखनी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि काम को कैसे छोटे छोटे गोल में डिवाइड करना है और उसे कैसे पूरा करना है। तो आप इस बुक में बताई गई जानकारी को फॉलो कीजिए और खुद को प्रोडक्टिव बनाए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।